हाय हाय एवरीवन। सो कैसे आप लोग? तो वापस से हम आ गए हैं, मंडे आ गया वापस से, और मैं वापस से आ गई हूँ आप सब लोगों से बात करने के लिए। ग्लिच हो रहा है क्या ये? हाय गाइस, हाय हाय हाय। तो हाँ, मेरा फिलहाल आज एक्चुअली शूट नहीं था, मैं आज घर पे थी, तो आज हम घर से ही लाइव जा रहे हैं। और आपने पिछले के एपिसोड्स देखे होंगे, पिछले दिनों के एपिसोड्स, जिसमें आपने देखा कि काव्या ने जो उसकी प्रॉब्लम्स हो रही थी बसंत खेड़ी, वो नहीं जा पा रही थी, एंड अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, वो बसंत खेड़ी आ चुकी है। अब उससे बड़ी एक प्रॉब्लम उसके सामने आके खड़ी हो गई है, जो कि है उस हॉस्पिटल को दोबारा से बना के खड़ा करना। एंड वो इसलिए है बिकॉज एक सेकेंड, आई एड आदि ऑल्सो। Hi. Hey, hi. Just a heads up, I'm in a really bad network zone, so I might, my network might fail anytime. So, yeah. Hello, everyone. Happy to be here again. Last week was a lot of fun. I couldn't wait till Monday to come live again and talk to you guys again. I'm really happy to be here. Thank you, IS Kavya ji, Muriya bulane ke liye. And yeah, let's start. हाँ, तो मैं यही बता रही थी सबको कि पिछले कुछ एपिसोड्स में आप सभी ने देखा है कि काव्या की जो पहले की प्रॉब्लम्स थी वो सारी वो खत्म करके, उनको फेस करके, जैसे कि वो बसंत खेड़ी नहीं जा पा रही थी, तो अब वो बसंत खेड़ी तो आ चुकी है, पर बसंत खेड़ी आने के बाद एक और प्रॉब्लम उसके सामने खड़ी हो गई है, जो कि है उस हॉस्पिटल को फिर से चालू करवाना। और वो प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी किसकी है, बिकॉज सब जानते हैं कि वो उसकी बड़ी बहन से जुड़ी हुई है और वो पूरा हॉस्पिटल उसका पास से जुड़ा हुआ है। सो या बहुत सारे चेंजेस होते हैं, एक बॉन्ड डेवलप होता है, फिर शायद वो शायद टूट जाता है या नहीं टूटता। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई होप यू गाइस आर वॉचिंग। सो या वो तो ठीक है, एंड बाकी हम लोग तो वैसे भी वेट करते हैं कि बस मंडे आए और हम लोग आपसे ऐसा ओपनली इंटरेक्ट कर पाए, खुल के बातें कर पाते हैं, आपकी बातें भी सुन पाते हैं, तो कि आप क्या कह रहे हैं। सो हाय, किसी का मैसेज आया है मैं रियलिटी में आईएएस बनूंगा, ऑल द बेस्ट। बात है बनना आईएएस, तो आईएएस काव्या जैसे बनना। यू both are extremely cute together, amazing chemistry, waiting for today's episode from London. Thank you. Hey, thanks. Hi London. sab log bahut excited dikh rahe hain filhal abhi tak. So sweet. To abhi वैसे बहुत सारे questions भी आए थे फिर से last time की तरह, तो मैं questions पढ़ लेती हूँ एक बार। आप दोनों शो के इमोशनल सीन्स के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, बताओ। मुझे बताना है? ओके। हाँ तुम्हें। सो एक अच्छी बात यह है कि मी एंड सुमूल हम वी गेट अलोंग वेरी वेल, एंड जैसा कि आप जानते हैं कि सुमूल बहुत ही बेहतरीन कलाकार है, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ही हेल्प मिलता है, एंड व्हेन शी इज डूइंग वेल तो ऑटोमेटिकली आई आल्सो डू वेल। सॉरी, एंड व्हाट व्हाट क्या बोल रहे हैं? I'm just saying, yeah. So emotions इसके लिए prepare हम। I think Sumul should take the question. Okay. नहीं, actually वो flow में सारी scenes होते हैं, ऐसा हम लोग पहले plan नहीं करते कि अभी ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, rehearsals में ही थोड़ा वो flow बैठ जाता है, and then take में I think जैसा जा रहा होता है वैसा करते हैं, ऐसा मुझे ऐसा लगता है बाकी। ओके, सो एक मेमोरेबल बिहाइंड द सीन्स मोमेंट बता सकते हैं? है बहुत सारे, कौन सा वाला बताना है ये बता। जो बताना है बता। अरे यार, मुझे बिहाइंड द सीन्स मोमेंट्स में सिर्फ एक वो याद आता है, सच्ची बोलूं तो। रिमेम्बर व्हेन
हम लोग वहां शूट कर रहे थे कानपुर में, एंड मैं शॉट के लिए गई थी, यू वर स्लीपिंग इन योर रूम. तू बताना, तू अच्छा बताता है वो. So I think I was sleeping in the room. I had some time off, and Sumbul comes and wakes me up, and I'm like, "What happened?" She's just smiling, and then she goes away and tells me, "Don't talk to me. My mood is really messed up." And I'm like, "Tu mujhe uthaya kyun tune apni neend se? Mujhe apni neend se." So yeah, that was really, that made me angry. But Sumbul thi, toh maine kuch bola nahi. हाँ, सो ये एक्चुअली वन ऑफ द मेरे लिए मुझे मोमेंट बहुत फनी लगता है, और उसके अलावा और भी होंगे, वो भी मुझे ऐसे अचानक से याद आ रहा है, बट आई लव ये वाला. मैंने इंसान की नींद खराब की थी. ओके, वन बेस्ट एडवाइस जो आपने सुनी है एक्टिंग से रिलेटेड. वन गुड एडवाइस एक्टिंग से रिलेटेड, आई थिंक don't act. That's what advice I've got, like, never act, just react. So yeah, that's something which I follow. Yeah, that's a nice one, good one. Main actually mujhe advice nahi mili hai, par mujhe ek baar aisa kisi ne bola tha ki aapke paas, aap jab bhi koi scene kar rahe hote ho to aapke paas do option hote hai koi bhi scene karne ke liye, ya to aap recall karo या फिर आप वो सीन को उस सीन के तरीके से मतलब फील करो, या मतलब ये कि कोई भी आप सीन कर रहे हो तो उस सिचुएशन को वहाँ पे एक्ट करने के लिए, या तो आप वैसी कोई सिचुएशन जो आपके लाइफ में हुई है उसको याद करो, या फिर आप उसी कैरेक्टर के नज़रिए से देखो कि वो सिचुएशन उसकी लाइफ में हो तो वो कैसा रिएक्ट करे या करेगी. वो ये मुझे एक बार बोला गया था, इसमें मुझे नहीं पता एडवाइस क्या है, पर हाँ. हाँ, तो सुमुल, I think I'm losing network here. No, तेरा नहीं हो रहा है, तू एकदम clear दिख रहा है. But I can't see you clearly as such. Anyway, जब तक क्या कर लेते, okay, yeah. हाँ, रुकना. Last question. Okay. क्या काव्या और अधिराज के बीच में फिर से लड़ाई होगी? I think of course लड़ाइयाँ तो होगी, लेकिन spoiler alert. No, I'm not giving any spoilers. I think you should watch the show to find out. लड़ाइयाँ तो होगी, I think आपने शायद promo से भी देख लिया होगा, लेकिन अभी sort out होता है कि नहीं वो जानने के लिए आपको काव्या देखने होगा. लड़ाइयाँ तो काफी होने वाली है, इतना बता सकती हूँ मैं. वो अभी कैसे sort होंगी या वो किस type की लड़ाइयाँ होंगी वो आपको देखना पड़ेगा, पर लड़ाइयाँ बहुत होने वाली है इतना मैं बोल सकती हूँ. ओके, सो क्वेश्चंस तो अभी ही खत्म हो चुके हैं, एंड हमारा वक्त भी आप सबके साथ खत्म हो चुका है. अभी हमें भी जाना है, 15 मिनट में एपिसोड देखना है. मिश्का तो अभी रास्ते में, पता नहीं वो कब देखेगा. मुझे अभी जाके एपिसोड देखना है क्योंकि मैं घर पे हूँ. और बहुत अच्छा लगा फिर से आप सभी लोगों से बात करके, इंटरेक्ट करके, एंड एक सेकेंड. Hi everyone. So yeah, हमें बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, एंड आपके जो सवाल आए थे उनका जवाब दे के, एंड बस यही कि अब हम अगले मंडे का इंतजार करेंगे ताकि हम आपसे फिर से बात कर सके. एंड यू वांट टू ऐड समथिंग, सॉरी, यू वांट टू ऐड समथिंग बोलना. यस, दिस वाज अ बिट नॉट वेरी comfortable for me because I'm traveling back, but happy मैं यहाँ पे आया हूँ, आप सबसे बात किया है हमने, and looking forward to next Monday की जब हम आपसे वापस बात करेंगे. Till then keep watching our show Monday to Friday 7:30 PM on Sony Entertainment Television. हाँ, और एक और चीज क्लियर कर दें, कोई पूछ रहा है कि is he driving, so Mishkat is not driving. No, I'm not driving. I have my driver next to me. I'm obviously not driving. हाँ. Yeah. So don't worry, he's not driving. वो बैठ के बस ऐसे लाइव जा रहा है. तो बस गाइस, शो देखते रहिए मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 PM काव्या, एक जज्बा, एक जुनून, और ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए हमारे ऊपर, और हम आपको फिर से मिलेंगे अगले मंडे. लव यू गाइस, बाय बाय मिश्कात, बाय एवरीवन, सी यू.